नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफकास्ट में। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसकी लिंक होगी, जरूर देखिएगा। तो आज के वीडियो का सब्जेक्ट है ब्लड डोनेशन, यानी खूनदान या रक्तदान। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ब्लड डोनेशन के बारे में अवेयरनेस और बढ़े। दोस्तों, कहते हैं ना, रक्तदान ही सबसे श्रेष्ठ दान है। सही कहते हैं, इससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के दो कारण हैं। एक तो आपको यूके में होने वाले ब्लड डोनेशन प्रोसेस से अवगत कराना, और दूसरी एक खास वजह है, हाल ही में यानी एक महीने पहले मेरी माताजी यानी मेरी आई का स्वर्गवास हुआ है, तो इस वीडियो द्वारा मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। दोस्तों, श्रद्धांजलि इसलिए क्योंकि मेरी आई ने ही मुझे ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित किया है। मुझे याद है, जब मैं छोटा था, 6th या 7th स्टैंडर्ड में, तब जब कभी हमारे आसपास कोई ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता था, लायंस क्लब, रोट्रैक क्लब या फिर कोई और एनजीओ द्वारा, तो मेरी आई मुझे अक्सर वहां ले जाया करती थी। तो दोस्तों, तब से लेकर अब तक इसी प्रेरणा की वजह से मैंने 19 बार ब्लड डोनेशन किया है, यूके में 12 बार और इंडिया में 7 बार ब्लड डोनेट किया है। खैर, मेरी तो ये शुरुआत है, लेकिन मैं कई सारे दोस्तों को जानता हूँ जो 60 या 70 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। उन सभी दोस्तों को मेरा शत शत प्रणाम। दोस्तों, मेरा ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है। दुनिया में करीब 40% लोगों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। अगर हम ब्लड ग्रुप की रैंकिंग की बात करें तो सेकेंड नंबर पे आता है ओ पॉजिटिव, थर्ड नंबर पे आता है ए पॉजिटिव, फोर्थ पे आता है ए बी पॉजिटिव और फिफ्थ नंबर पे आता है बी पॉजिटिव। और बेस्ट ब्लड ग्रुप या नंबर वन प्राइज जाता है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को। सो दुनिया के 6% लोगों के पास ही ये ब्लड ग्रुप होता है। अगर आप उन लकी लोगों में से हैं, तो हमें प्लीज नीचे कमेंट करके बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप सही मायने में यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इमरजेंसी में अगर किसी का ब्लड ग्रुप पता ना हो तो उसे बेझिझक आप ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। दोस्तों, ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी समझना बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं। तो यूके में ब्लड कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी होती है एनएचएस ब्लड की, जो एनएचएस का एक डिपार्टमेंट है, एनएचएस ब्लड। उनकी वेबसाइट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनकी वेबसाइट के साथ उनका एक ऐप भी अवेलेबल है ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर में। अगर आप ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर ये ऐप्स डाउनलोड कीजिए। दोस्तों, पुरुष जो हैं या फिर मेन जो हैं, वो हर 3 महीने में ब्लड दे सकते हैं, और विमेन या स्त्रियां हर 4 महीने में ब्लड दे सकती हैं। दोस्तों, आपको मजे की बात बताऊं, मुझे 100 बार ब्लड डोनेट करने के लिए अगले 22 साल तक हर साल 4 बार ब्लड डोनेट करना होगा। दोस्तों, हर बार ब्लड डोनेशन के दौरान करीब 0.5 लीटर ऑफ ब्लड कलेक्ट किया जाता है। अपनी बॉडी को सिर्फ 1 या 2 हफ्ते लगते हैं वापस ब्लड लेवल्स नॉर्मल में लाने के लिए। है ना ये कुदरत का करिश्मा। दोस्तों, अगर आप अक्सर इंडिया जाते हैं तो आपको इनकी ट्रैवल एडवाइजरी को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इंडिया के कुछ इलाके हैं, अगर वहाँ पर आप जाते हैं और वापस यूके में आते हैं और ब्लड डोनेशन करने जाते हैं तो आपको मना कर दिया जाएगा। तो एनएचएस ब्लड की वेबसाइट पे ये सारे डिटेल्स मौजूद हैं। ब्लड डोनेशन की प्रोसेस 4 स्टेप्स में समराइज की जा सकती है। सबसे पहली स्टेप तो आपको एनएचएस ब्लड की वेबसाइट पे रजिस्टर करना है। दूसरी स्टेप, आपको आपके नज़दीकी ब्लड डोनेशन सेंटर पे अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तीसरी स्टेप, यानी आपको अपॉइंटमेंट के 1 या 2 हफ्ते पहले घर पे आपको एक लेटर आएगा, उसमें एक फॉर्म होगा, उसको आपको कंप्लीट करना है।
और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक्चुअल अपॉइंटमेंट डे पर जाकर आपको ब्लड डोनेट करना है। बस दोस्तों, इसी चार स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं और एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो हमेशा हर बार आपको सिर्फ तीन स्टेप्स के थ्रू जाना होगा। दोस्तों, आप 17 साल की उम्र से लेकर 70 साल की उम्र तक ब्लड डोनेट कर सकते हैं। क्या आपको पता है एक्चुअल ब्लड डोनेशन को सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं? एक और रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपका ब्लड डोनेशन हो गया तो सीधे उठ के चलते मत बनिए, क्योंकि आपकी बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है ब्लड रिप्लेनिश करने के लिए, तो आपको चक्कर आ सकता है और आप गिर सकते हैं। तो ब्लड डोनेशन के बाद थोड़ी देर रेस्ट कीजिए इसी चेयर पर, फिर जाके थोड़ा सा शुगरी ड्रिंक्स, ग्लूकोज लेवल अप कीजिए, थोड़ी देर आराम कीजिए और फिर ड्राइव या फिर चलते जाइए, नहीं तो आप चक्कर आके गिर सकते हैं। मैं तो कोई न्यूट्रिशनिस्ट हूँ नहीं, लेकिन ब्लड में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी अच्छी रखने के लिए आप बैलेंस डाइट खाया करें। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ये सारी चीज़ें खाया करें, एग्स खाया करें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, ये सारी चीज़ें खाया करें। इन सारी चीज़ों से आपकी हीमोग्लोबिन लेवल अच्छी रहा करेगी। अगर आप ऑलरेडी एक ब्लड डोनर हैं और रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बोन मैरो रजिस्ट्री में भी रजिस्टर करें। यूके में कई सारे एशियन पेशेंट्स को ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकेमिया होता है जिनमें पूरा बोन मैरो रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। ऐसी सिचुएशन में उनको सिर्फ आप मेरे जैसे एशियन डोनर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इस बोन मैरो रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड हैं तो आपको वो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करेंगे, कुछ टेस्ट करेंगे और आपकी और उस रेसिपिएंट की कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे और तब आप बोन मैरो डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है यूके में एक ऑर्गन डोनेशन रूल है जिसका नाम है मैक्सिस लॉ। इस लॉ के तहत अगर आपकी या फिर आपके किसी रिश्तेदार की डेथ किसी NHS हॉस्पिटल में होती है तो उनके सारे ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली डोनेट कर दिए जाएंगे। अगर आप ये डोनेशन नहीं करना चाहते तो आपको इस स्कीम से ऑप्ट आउट करना होगा। इस बारे में इंफॉर्मेशन आपको आपका GP दे सकता है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार जब आप ब्लड डोनेट करने जाएं तो अपने बड़े बच्चों को अपने साथ ले जाएं। इससे उनका नीडल, इंजेक्शन, इन सारी चीज़ों का डर धीरे धीरे कम होगा, वो आगे जाकर ब्लड डोनर बन सकते हैं। मैं मेरे बड़े बेटे को हमेशा मेरे साथ ब्लड डोनेशन के लिए लेके जाता हूँ और मुझे पूरा यकीन है वो आगे जाकर एक ब्लड डोनर बनेगा। दोस्तों, NHS ब्लड आपको हर माइलस्टोन पे इनकरेज करती है, मोटिवेट करती है और अप्रिशिएट करती है। तो मैंने UK में अब तक 12 बार ब्लड डोनेशन किया है, तो मैंने जब 10वीं बार ब्लड डोनेशन कम्प्लीट किया तो मुझे उनकी तरफ से ये छोटा सा मोमेंटो मिला जिसे मैं अच्छी तरह संभाल के रखता हूँ। इस वीडियो को देख के अगर एक भी व्यूअर या सब्सक्राइबर ब्लड डोनेशन के लिए रेडी हो जाता है तो इस वीडियो का हेतु सफल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।